दोस्तों, जिस बात का हमें डर था आखिर वही हुआ। जावरा में तीन तीन कोरोना पॉजिटिव आए हैं दोस्तों एक साथ, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसमें से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। बहुत ही दुख वाली बात है। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि जो भाई लोग जो बाहर से आ रहे हैं, यानी कि हाई रिस्क जोन से आ रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, यानी कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज़ अगर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आकर अपने आप को क्वारंटाइन जरूर रखें। इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, इससे आपका शहर सुरक्षित रहेगा, और इससे आपका देश सुरक्षित रहेगा। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग बाहर निकलते हैं उनसे मेरा कहना है कि आप बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलना सही नहीं है। हो सके तो अपने घर पर रहकर ही कार्य करें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। और मेरा कहना ये भी है कि जो सरकार ने या फिर अपने जो प्रशासन, जावरा प्रशासन ने, SDM साहब ने जो निर्णय लिया है कि 7 और 8 तारीख को, यानी कि रविवार और सोमवार को अपन स्वैच्छिक रूप से एक लॉकडाउन रख रहे हैं, उसमें आप सभी सहयोग करें। और अगर किसी प्रकार के किसी कोई लक्षण हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन, आप खुद आगे रहकर अपने आप को क्वारंटाइन रखिए और प्रशासन का सहयोग कीजिए। क्योंकि देखो, आपने भी देखा होगा अभी तक का आंकड़ा, इससे कोरोना से लगभग 1 से 2% लोग, 2 से 3% लोग जो हैं इससे मृत्यु हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे डरे नहीं, क्योंकि अपने को डरना नहीं है और साथ साथ में प्रशासन का सहयोग करना है, तभी हम इस महामारी से बच पाएंगे। क्योंकि हम बचेंगे तभी अपने देश का भला कर सकेंगे। इससे आपसे पुनः निवेदन मेरा कि आप खुद को भी सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए और देश को सुरक्षित रखिए। साथ ही मेरा सभी से अपील है, सभी जावरा वासियों से अपील है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, जो भी अपने मित्र हैं उन सभी तक फैलाएं, ताकि ये अपील सब तक पहुंचे कि 7 और 8 जून को अपना जावरा अपने को बंद रखना है। और साथ ही साथ हमें बिना इससे डरना नहीं है, और बिना डर के ही अपने को क्या करना है, अपने आप को अगर कहीं बाहर से आए तो क्वारंटाइन रखना है, और बाहर निकलते हो तो मास्क का यूज़ जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।